सभी दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हम लोग लगातार इससे पहले पीजीटी की तैयारी किए थे और पीजीटी की तैयारी में जो भी क्वेश्चंस की कैटेगरी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती टेस्ट सीरीज़ में आप ज्वाइन करेंगे तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती टेस्ट सीरीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है और आप इसको बिल्कुल ज्वाइन करें। इसको ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आप इसको कल से ज्वाइन कर लीजिए और डेली आपको ये इवनिंग में, इसका टाइमिंग जो रखी गई मैंने भी इवनिंग में, शाम को 8 बजे के बाद ये मैं रिलीज़ कर दूंगा और टाइम आपको मिलेगा। कल मॉर्निंग में एक सीरीज़ में डालूंगा, यानी डेली आपको मॉर्निंग में भी एक सीरीज़ मिलेगी और इवनिंग में। लेकिन मॉर्निंग में जो सीरीज़ मिलेगी वो एक छोटे क्वेश्चंस की मिलेगी, लेकिन इवनिंग में जीआईसी टेस्ट सीरीज़ चलती रहेगी। डेली प्रैक्टिस कराऊँगा क्वेश्चन की कल से लेकर के और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, यानी कि एम हमारा 19 सितंबर है। तो 19 सितंबर 2021 जब एग्ज़ाम होगा तो उसी को लेकर के मैंने टेस्ट सीरीज़ तैयार की है और इसको आप अच्छे से तैयार करिए। कोशिश करिए कि इसकी आपकी तैयारी भरपूर रहे। तो मैंने क्वेश्चन जो आपके सामने रखे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और लगभग ये क्वेश्चन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर इनमें मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन क्या है कि आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये कौन सा क्वेश्चन है ये आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। वन अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम। ये बताइए कि हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम जो है वो किसकी होगी। तो वो आप जान रहे होंगे कि भाई पहले में क्या n इज इक्वल टू 3 है, दूसरे में भी n इज इक्वल टू 3, तीसरे में भी n इज इक्वल टू। अब हाईएस्ट एनर्जी लेवल तो वही होगा जिसका n नंबर सबसे बड़ा होगा। तो n नंबर सबसे बड़ा किसका है, n नंबर सबसे बड़ा 4 का है। तो अगर आप देखें तो जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, सबसे कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा 4s में पहुँचेगा। 4s का एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम लोग एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन देखें तो ये 4s इसलिए माना जाएगा कि फोर्थ, यानी कि जो इसका n नंबर है वो फोर्थ, यानी शेल इसका जो है वो फोर्थ शेल सेल में जाएगा। और ये n वही तो रिप्रेजेंट करता है, शेल और एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 होगा और l इज इक्वल टू 0, मतलब 4s में जब जाएगा तो l इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और m तो जब l 0 तो m 0 होता है, इस तरीके से ही कहलाएगा। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक अफवाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखेंगे तब भी आंसर फिर आपका यही सी आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एम इज 313 नैनोमीटर, यानी कि ये आपका वेवलेंथ दिया हुआ है। और द वर्क फंक्शन, यानी कि आपको वर्क फंक्शन यानी ई पूछा है, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है, जानते हैं आप, है ना। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, एच E इज इक्वल टू हो जाता है आपका, E इज इक्वल टू हो जाता है एच न्यू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एस सी अपॉन लैम्डा। अब आप इसको E निकाल सकते हैं, सिंपल सा करना क्या है आपको, H की वैल्यू आपको पता है कि 6.6 × 10⁻⁴ होती है, 34 लिख रहा हूँ यहाँ पर, कट कर देता हूँ, ये 34 हो गए, जगह कम है थोड़ी सी। और यहाँ पर सी तो पता है 3 × 10⁻⁷ कितना होगा, 3 × 10⁻⁷ आपका 8 होता है मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। और अपॉन में जो आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगी वैल्यू आपकी वही लैम्डा, कितना दिया हुआ है 330 दिया, तो 330 लिख देते हैं हम यहाँ पर। और नैनोमीटर में है तो 10⁻⁹ लगा देते हैं, तो ये अब आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लीजिए, मैंने डिवाइड करके सॉल्व किया है, इसका आंसर आ रहा है 6 × 10⁻¹⁹ जूल आ रहा है। तो अब ज़रा चेक कर लेते हैं क्या ऐसा कोई आंसर इसके अंदर दिया है, तो ऐसा आंसर आपको मिल रहा है 6 × 10, यानी इसका आंसर जो है 16 का आंसर फिर मेरे हिसाब से बी आ जाना चाहिए, 16 का आंसर बी आना चाहिए, यानी सॉरी 16 का बोल रहा हूँ, क्या है सेकंड का आंसर जो है वो फिर बी आना चाहिए। चेक कर लीजिए जरा, आंसर बी आपका आ रहा है, आप भी कैलकुलेशन जरा एक बार चेक करिए, है ना, यही आना चाहिए। नहीं आए फिर भी आप, मेथड तो सही है, कैलकुलेशन मैंने की है, अब आप भी एक बार करके देखिएगा। थर्ड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑल एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड हैव 3 कंप्लीट सेल होंगे, 3 कंप्लीट सब सेल होंगे। थर्ड पीरियड है
तो थर्ड पीरियड का मतलब हुआ कि हम लोग जब चलते हैं थर्ड पीरियड में, तो थर्ड पीरियड में इसका मतलब हुआ कि हम लोग थ्री कंप्लीट सबसेल तो पक्का है, थ्री कंप्लीट शेल तो नहीं हो पाएंगी। थर्ड पीरियड में पहुंचते पहुंचते थ्री कंप्लीट शेल नहीं हो पाएंगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड तक भरें तो थर्ड पीरियड में क्या आता है भाई, थर्ड पीरियड में पहुंचते पहुंचते अगर आप देखें, ध्यान दें, तो हम ऐसे कर लेते हैं, थर्ड पीरियड में पहले इसे मिटाएँ, तब आपको बताते हैं कि थर्ड पीरियड में हमें कैसे भरने होते हैं। देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकेंड पीरियड हो गया, और ये आपका थर्ड पीरियड हो गया। या ऐसे करके वर्टिकल लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, है ना, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भाई फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन है, सेकेंड पीरियड में आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन हो गया, यहाँ थर्ड पीरियड में सोडियम हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये थर्ड पीरियड में क्या होगा, सबसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, है ना, इस तरीके से चलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ क्या होगा, 2.8.1 ऐसे चलेगा। तो अगर हम लोग सबसेल की बात करें तो देखें, 1s2 आ गया, 2s2, 2p6 आ गया, और 3s1 आ गया। तो अब ये 3s1 ये पूरा नहीं भर पाएगा, यानी सिंपल सी बात ये कहें कि कंप्लीट सबसेल तो हो जाएंगे, कंप्लीट सबसेल हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीट शेल नहीं। सबसेल तो पूरे हो गए, लेकिन ये कंप्लीट शेल नहीं हो पाएंगे, सबसेल तो पूरा हो जाएगा। अगर लास्ट में जाएंगे तो 3p6 मिल जाएगा, और 3p6 मिल जाएगा तो उसके बाद भी फिर 3d बचेगा, है ना, 3D बच जाएगा। तो इसका मतलब सेल तो कंप्लीट नहीं होने वाला, सब सेल कंप्लीट जरूर हो जाएगा। तो फिर आंसर इसका भी बी लगाना चाहिए, मतलब हमें थर्ड का भी बी आंसर ही लगाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं कि वन अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज प्लेनर, कौन सी प्लेनर होगी। तो प्लेनर में हम लोग देख लेते हैं कि भाई अगर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं कि पहले देखो PCl5 तो आपको पता ही, इसे PCl3 तो आपको पता ही, सिंपल इसे हटाई दी, है ना, NH3 भी आप हटा दीजिए, सिंपल इसे भी हटाइए। अब हम SO3 वो CO3 डाई नेगेटिव है, तो CO3 डाई नेगेटिव में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो SP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और SO4 डाई नेगेटिव है तो SO4 डाई नेगेटिव में SP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसका मतलब फिर सिंपल सी बात ये हो गई कि जो लीनियर मॉलिक्यूल, वो प्लेनर मॉलिक्यूल आना चाहिए, प्लेन में वही आना चाहिए जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब फोर्थ का आंसर भी हमें फिर बी ही मिलना चाहिए। तो हम लोग इसी आंसर को लगाएंगे। और इसके बाद भी पांचवा क्वेश्चन है, फ्रॉम द अमंगस द फॉलोइंग ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, द लीस्ट बॉन्ड एंगल, तो अब आपको बता देना चाहेंगे लीस्ट बॉन्ड एंगल किस में होगा। तो ज़रा ढूंढिए आप, लीस्ट बॉन्ड एंगल किस में आएगा, लीस्ट बॉन्ड एंगल जो आना चाहिए उसका तरीका क्या है, उसका पैटर्न क्या है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें करना क्या है। तो साहब आप बता पाएंगे या मैं बताऊँ आपको, है ना, कोशिश करेंगे आप। चलिए कोई नहीं, H2S में हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा H2S में हम देखते हैं क्या होगा, कि यानी कि H2S में अगर हम ऐसे ड्रॉ करें H, यानी कि इसे उल्टा हो गया ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नहीं बनेगा, थोड़ी जगह की दिक्कत रहती है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चंस में S हो गया और यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर H हो गया, तो ये हो गया। यहाँ पर दो लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर दो लोन पेयर हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, और जब लोन पेयर फोर्स लगाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डाउन होगा। वैसे भी जानते हैं कि आप ग्रुप में जब नीचे आते हैं ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, तो नीचे आने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होता है, ये भी आप जान रहे होते हैं। और तो H2S का बॉन्ड एंगल जो होगा वो लगभग 92 होगा, और 92 के आसपास होगा, जबकि O3 और NO2 नेगेटिव और I3 नेगेटिव, इनके बॉन्ड एंगल थोड़े से ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू H2S। अगर आप निकालना चाहें तो ओजोन का भी बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, NO2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव का भी निकाल सकते हैं, है ना। तो तीनों का एंगल निकाल के देखिएगा तो H2S का एंगल आपको कम मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर। इसमें चूँकि बहुत बड़ा टिपिकल क्वेश्चन नहीं, इनके सबके बॉन्ड एंगल आप निकाल ही लेंगे, वो बहुत दिक्कत वाली बात आपको नहीं लगनी चाहिए। जहाँ पर दिक्कत लगेगी हम डिस्कशन करेंगे। द एटम आयन लिस्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, इंक्रीजिंग साइज, ये तो मैं, मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किसका साइज जो है वो बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। तो आप जानते हैं कि भाई हम अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो जिसमें प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होगा उनका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो और वैसे जो है सिंपली आप इनमें देख लीजिए तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल ही लेंगे, कर लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आंसर को करिएगा। वैसे मैं आपको छठे का आंसर बताने की कोशिश ये करूँगा कि करेक्ट ऑर्डर है, यानी इंक्रीजिंग में लगा होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग के हिसाब से हाइड्रोजन तो बड़ा है नहीं, कट कर देते ना। और यहाँ पर एल्यूमिनियम, सोडियम, सल्फ़र, तो ये भी यहाँ सोडियम एल्यूमिनियम डिस्टर्ब हो चुके हैं कि भाई सोडियम बड़ा है एल्यूमिनियम से, ठीक है।
और ये सल्फर बड़ा, सल्फर कैसे बड़ा हो जाएगा, तो सल्फर की पॉसिबिलिटी नहीं, तो इसे भी हटा देते हैं। इसके बाद सोडियम को आ जाइए, यहाँ पर सोडियम जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये आपका हो गया सोडियम, ये हो गया आपका बेरिलियम साइज में छोटा है, ठीक है। मैग्नीशियम और सोडियम में सोडियम बड़ा होगा साइज में, तो फिर भी आंसर आएगा। पोटेशियम साइज में बड़ा है, सोडियम साइज में छोटा है, ठीक है। और क्लोरीन लेकिन बीच में डिस्टर्ब कर दिया, इसे इधर आ जाना चाहिए था, चलिए ठीक। फिर इसका मतलब फिर आंसर हमें बी ही लगाना पड़ेगा। आप भी एक बार ऑर्डर को अरेंज कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर लेंगे। सभी मेरे साथी बहुत ही अच्छी मेहनती साथी हैं और सभी मेहनत भी कर रहे हैं, जी आई सी के लिए लगे हुए हैं, तो मैं यही कामना करूँगा कि भाई ये लोग सफल हों, और इसी सफलता की कोशिश में हम आपको सीरीज़ लगातार दे रहे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन लीड टू द थ्री क्वांटम नंबर्स एन एल एम है, तो एन हैव एनी, ये तो है, एन कैन हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू है, वैन एन इज इक्वल टू थ्री एल कैन हैव वैल्यूज ऑफ, ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं। वैन एन फाइव तो एल टू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और अगर एम है तो फिर प्लस टू माइनस टू भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें लग रहा है तीनों सही हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, एन इज इक्वल टू टू तो एल वन हो सकता है, लेकिन थ्री इक्वलेंट ऑर्बिटल्स विद अ नोडल प्लेन, यानी कि एन माइनस एल माइनस वन अगर लगाएं तो यानी कि टू माइनस वन तो ज़ीरो हो जाएगा, तो नोडल प्लेन तो नहीं आने वाला, इसका मतलब ये फोर्थ आंसर नहीं होगा। फिर आंसर में आगे क्या देखें, तीनों ऑप्शन ही मिल रहे हैं, तो यहाँ आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं। एट क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन किस में सभी में पेयर्ड हैं। तो भाई साहब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम बात कर लेते हैं, तो एट्थ वाला जो है यानी कि इसमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो किस में आएंगे, ज़रा चेक कर लीजिए। अगर हम देखें, ये ऊपर ये बता देना चाह रहे हैं आपको, एन पे तीन नेगेटिव है, ध्यान रखना, और एन तीन नेगेटिव मतलब टेन हो गया, और टेन हो गया मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो ही जाएंगे, क्योंकि वन एस टू हो जाएगा, टू एस टू हो जाएगा, टू एस टू हो जाएगा, और टू पी सिक्स हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यही होगा जो होना चाहिए, एन एलिमेंट विद द सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड मिल जाएगा आपको। एफ ई ट्राई पॉजिटिव में देखें तो डी में जब जाओगे आप 4s2, तो 4s2 गायब ही हो गया, और यहाँ पर अगर आप डी में 4s2 तो ज़ीरो हो गया, एक इसमें से कम हो गया, तो इसमें भी सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो यानी कि पाँचों अनपेयर्ड हो गए यहाँ पर, तो 17 वाले में भी अनपेयर्ड, तो फिर यही आंसर डी है, वो सिंपल सी बात है। द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अमंग द मॉलिक्यूल्स सेकंड पीरियड आर, द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में कौन सी पॉसिबिलिटी है वो आप जानिएगा। तो नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और नाइन्थ क्वेश्चन में डायमैग्नेटिक का मतलब हो गया कि भाई N2 भी डायमैग्नेटिक होता है, फ्लोरीन F2 भी, जिनका जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी पेयर्ड हो जाएंगे वो डायमैग्नेटिक, C2 भी डायमैग्नेटिक होता है, तो आप चेक करिएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि B2 डायमैग्नेटिक नहीं होता है, यहाँ पर आप जान लीजिए Li2 डायमैग्नेटिक नहीं होता है, यहाँ जान लीजिए कि O2 डाई नेगेटिव जो होता है वो B2, यहाँ B2 डायमैग्नेटिक, तो ग्रुप तो फिर यही सही आएगा, सी ऑप्शन लगाइएगा आप। इसको एक बार चेक भी आप करेंगे लिख करके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख के चेक करिएगा। σ1s2 σ*1s2 वाला जो मोटी थ्योरी है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द स्मॉल कैटायंस मिनिमाइज, नहीं मैक्सिमाइज होना चाहिए, गलत हो गया। द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉलोज द, ठीक है ऑक्सीजन की सेकंड ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की सेकंड कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक लॉस कर चुका होगा, पहले इसकी फर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, तो फिर आंसर मैं इसका 10 का बी ही लगाए दे रहा हूँ, 10 का बी आसन लगा लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। अमंग द फॉस्फोरस हैलाइड द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का इंक्रीज, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो जितना साइज बड़ा होगा, यानी कि जो चारों तरफ एटम जुड़े हुए होते हैं वो जिनका साइज बड़ा होगा वो दूर दूर भागेंगे और रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करेंगे तो जनाब सिंपल सी कंसेप्ट लगा लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर हैलोजन की डिक्रीज करेगी, तो बॉन्ड एंगल हमेशा इंक्रीज करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूर भागना शुरू करता है, सेंट्रल एटम से दूर भागना शुरू करेगा, और दूर भागना करेगा तो रिपल्सन शुरू कर देगा, है ना, तो रिपल्सन शुरू होगा, और रिपल्सन जब शुरू होगा तो सिंपल सी बात यह है,
कि जो 11th का जो आंसर आना चाहिए वो मेरे हिसाब से साइज तो BR3 का बड़ा है, आई यहाँ पर कहीं है नहीं, अगर आई होता तो उसे सोचते तो इसका मतलब आंसर फिर ए लगा ली। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उसे ध्यान रखिएगा कि जितना साइज बड़ा होगा जो हेलोजन एटम है वो जो है ना उस जैसे साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो चारों तरफ हैं सेंट्रल एटम के वो रिपल्सन महसूस करेंगे। भाई रिपल्सन महसूस करेंगे तो दूर भागने की कोशिश करेंगे, सिंपल सी बात है, लगाइएगा कंसेप्ट आएगा आंसर। उसके बाद 12th क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस 15 PO4। तो हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए, इसमें हाइब्रिडेशन निकालने का तरीका तो आपको पता होगा ना कि H इज इक्वल टू क्या होता है हाफ और ब्रैकेट में वी प्लस विम को होता है ना वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए है ना एम माइनस, तो सिंपल हो गया हाफ हो गया। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस में कितने होते हैं 5 होते हैं, मोनोवेलेंट इसमें है नहीं और ये कैटायन इसमें है माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा यानी कि यहाँ पर माइनस 0 आ जाएगा और एनायन इसमें यहाँ पर प्लस के 3 तो 8 हो गया, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन भाई 5 × 3 = 8 डिवाइडेड बाई 4 ऑर्बिटल आई, 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड आई तो sp3 हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में आ सकती है वो आप चेक कर लीजिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो मेरे हिसाब से है वो आनी चाहिए SO3 डाइनेगेटिव में, यहाँ चेक कर लीजिए। सल्फर में 6 हो जाएंगे, 6 × 2 = 8 यहीं पर आएगा, तो यानी कि इसका आंसर फिर डी लगा लीजिएगा। 13 पे आइए, द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द SS SP एंड PP ओवरलैपिंग इन द किस ऑर्डर में होती है, तो आपको बता देना चाहेंगे कि PP जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू SS एंड देन SP। तो आंसर फिर इसका सिंपल सा है कि बी आना चाहिए कि भाई SP ओवरलैपिंग इज ग्रेटर देन SS इज ग्रेटर देन SP, यही ऑर्डर रहता है और इस ऑर्डर में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। तो सिंपल सी मोर इज़ द डायरेक्शनल करैक्टर ग्रेटर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, मोर इज़ द डायरेक्शनल करैक्टर ग्रेटर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो सिंपल सी बात यही कि ओवरलैपिंग कहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, ओवरलैपिंग PP में ज़्यादा होनी चाहिए। तो 13 का आंसर फिर बी लगाइएगा आप लोग, तो 13 में बी आंसर ही आना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको आंसर मिलेंगे इनके, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड W एटम्स आर कॉर्नर, W एटम जो है कॉर्नर पे हैं, तो यानी कि 1/8 हो गए, 8 × 8 मतलब 1 हो गया। ऑक्सीजन एटम्स एट द एज पे हो गए 1/4 × 12 हो गए, एज कितनी होती है 4 × 4 = 8 × 4 = 12 होती है, तो यानी कि ऑक्सीजन हो गए आपके सोडियम सेंटर पे हो गया, तो सोडियम तो सेंटर पे रख दीजिए, W भी 1 हो गया क्योंकि भाई सेंटर पे 1 हो गया, ये 1/8 × 8 भी 1 हो गया। ऑक्सीजन जो है वो एज पे है तो यानी कि 1/4 × 4 = 12 तो NaWO3 आना चाहिए, NaWO3 यानी कि 14 का आंसर फिर आप लोग बी लगाइएगा, यही आंसर संभव है। उसके बाद 15 पे आइएगा, अब बाइनरी सॉलिड ए पॉजिटिव बी नेगेटिव मॉलिकुलर मास फार्मूला मास दिया हुआ CaCl, द नंबर ऑफ द यूनिट सेल्स पर इन 6 ग्राम आइडियल क्रिस्टल ऑफ सॉलिड। तो भैया मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें आप ज़्यादा मेहनत नहीं, इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैलकुलेशन का मेथड मैं आपको 15 का बता दे रहा हूँ, वैसे आपको पता है इसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। देखो इसमें फार्मूला यूनिट भाई हैज़ CaCl, बाइनरी सॉलिड है, तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि CaCl में जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट है वो 1 आना चाहिए। तो अगर हम इसे लगाएं तो 60 ग्राम अगर हमारे पास में है, 60 है ना, हाँ 6 ग्राम है, ठीक है। तो अब CaCl का इसका मॉलिकुलर मास निकाल लीजिए, CaCl का मॉलिकुलर मास जो है जब आप निकालेंगे तो 60 आएगा, तो 60 ग्राम 6 इसीलिए दिया हुआ ना, 60 ग्राम जो है नंबर ऑफ यूनिट सेल में कितने हो, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे 6.022 × 10⁻²³, तो 6 ग्राम में कितने होंगे भाई 6.022 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, और फिर 6 में क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 6 कर लीजिएगा, तो आंसर आपका मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। आंसर क्या आएगा ये तो मैंने नहीं निकाला, लेकिन मैंने आपको मेथड बता दिया, अगर आप इस मेथड से ट्राई करिएगा निकलेगा, जरूर निकलेगा, नहीं तो भाई मॉलिकुलर मास कितना 60 दिया ही हुआ है CaCl का, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो 60 ग्राम में कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, 1 में कितना होगा, फिर 6 में कितना होगा निकल आएगा, सिंपल सा तरीका है। द मॉलिकुलर ऑर्बिटल शोन, तो ये सिंपल सी बात है, देखो इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो सिंपल सी बात है ये फिर कौन सी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो गई, और एंटी बॉन्डिंग वो जो होती वो स्टार से रिप्रेजेंट की जाती, तो सिग्मा स्टार ही होगी। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट किस में होगा,
जिसमें देखिए अगर हम देखें तो NF3 का लार्जेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। HCF4 में भी वही कंडीशन होती है। CsCl3 भी आप जानते हैं, अगर CsCl3 बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, बाकी भी बना सकते हैं मॉलिक्यूल। यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, भाई एक दूसरे कैंसिल तो एक ही क्लोरीन की तरफ से। लेकिन अगर इस वाले ए मॉलिक्यूल को देखो तो इसमें एक ही साइड में क्लोरीन है, बाकी सब तरफ हाइड्रोजन है। इस तरीके से है ना, ये दो हाइड्रोजन हो गया, बाकी मिथाइल ग्रुप हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो फिर आंसर 17 का जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि 17 का ए आंसर जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, नींद भी आ रही है, इस समय इवनिंग का टाइम है और मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ मिल जाए। चलिए 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, द डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा ई एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया है। आप जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। डेल्टा एन जी आर टी को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी को पी डेल्टा वी लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी। लेकिन कह रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है तो कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता है। क्या हो जाता है वो आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। ज़रा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा कि क्या कंसेप्ट। भाई आपने फार्मूला यहाँ लिखा, डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू, आजकल भी यू चलता है, वैसे ही चलता था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये आपको फार्मूला पता है। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, अब लिख लें इस बार ई प्लस डेल्टा पी वी लिख दिया। अब पी वी लिख दिया, यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कर दिया, इसे ओपन कर लीजिए तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा। डेल्टा ई प्लस, अब आपको बता दें, प्लस पी डेल्टा वी एक बार लिख सकते हैं और दूसरी बार लिख सकते हैं वी डेल्टा पी, यानी इसे लिख सकते हैं वी डेल्टा पी। अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका वी डेल्टा पी आ जाएगा, यानी ये आंसर आना चाहिए। तो आंसर हम देख लेते हैं कि आंसर ऐसा दिया है या नहीं, वो चेक करते हैं, देखें कहाँ पर दिया है आंसर, यानी कि ये सी आंसर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो। और अगर वॉल्यूम आरटी से निकालेंगे तो फिर आरटी से तो पॉसिबिलिटी नहीं है निकल पाया आंसर, एग्जैक्ट आंसर फिर पी डेल्टा वी आना चाहिए। अगर आपको कोई आइडिया हो, अनुमान हो, कोई तरीका पता हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं भी आपसे कुछ जानने की हिम्मत जुटाऊंगा। तो अब ये 19 क्वेश्चन है, इस पे मैं फार्मूला बताऊंगा आपको, लगाएंगे आप लोग, यानी न्यू द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इतना दे रखा है, देन द लाइट दैट कैन इमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन शुड हैव द वेवलेंथ इक्वल टू। तो मैं सिंपल से आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम आएगी, सिंपल सी बात है। जिसकी वेवलेंथ कम आएगी, फैक्चुअल मतलब इसको मैं ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सॉल्व ना करना पड़े तो, जिसकी वेवलेंथ कम होगी, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसी की तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि E इज इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा, और जब लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, और जब लैम्डा घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। क्योंकि एच न्यू, यानी कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, और न्यू डायरेक्टली बिल्कुल सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो सिंपल सा हम ये कहना चाहेंगे, इसका आंसर अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिएगा। ये एक क्वेश्चन कैलकुलेटेड भी है और कंसेप्चुअल भी है, दोनों मेथड से आंसर आ जाएगा। मैंने आपको हिंट यहाँ पर दे दिया है, आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो हम आपसे वेट करेंगे कि अगर मतलब कैलकुलेट करके निकालें तो कैसे आएगा। और मैंने कंसेप्चुअल तरीका आपको बताया है। देखिए, द इफ़ द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिशन फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल इज इतना, देन द लाइट दैट कैन बी इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। तो लाइट क्या होनी चाहिए, लाइट की फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी कैसे ज़्यादा, तो एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब वेवलेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर इस हिसाब से तो आंसर डी आ जाना चाहिए। लेकिन आप लोग इसे एक बार कैलकुलेट भी कर लीजिएगा कि क्या डी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आप भी मदद करेंगे भाई, कुछ क्वेश्चंस आप भी करेंगे तो हमें भी लगेगा नहीं आप भी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मैं कर रहा हूँ तो आप भी अपने लिए कुछ करिए। चलिए, द एक्सपेक्टेड वेवलेंथ एट विच द फर्स्ट लाइन ऑफ द पी फंड सीरीज सेल बी ऑब्टेंड, यानी 20 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो 20 क्वेश्चन का तरीका भी आपके सामने हो जाना चाहिए। तो 20 क्वेश्चन का तरीका वही 1/λ = 10 9 6 7 8 मुझे जहाँ तक याद है ना, तो लगा लेते हैं फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू
वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, 9, 6, 7, 8। आपको फार्मूला पता है 10, 9, 6, 7, 8 ब्रैकेट में 1 अपॉन n1 स्क्वायर यानी कि 1 लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट फंड यानी कि n1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और कहाँ से गिर रहा है इलेक्ट्रॉन ये भी देखना पड़ेगा, ज़रा देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन भैया तुम कहाँ से गिर रहे हो बता दो हमें जल्दी से फटाफट। एक्सपेक्टेड वेवलेंथ है फर्स्ट लाइन है, हाँ फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन में वो 6 हो जाएगी वैल्यू एंड टू, आपको फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में बताई थी तो ये हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करिएगा और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर बताइए कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही। तो लैम्डा इज इक्वल टू, चलो पहला अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, 109678 हो गया और ये आपका हो जाएगा इंटू में 6×36, 5×5=25 यानी कि 11 ऊपर आ जाएगा अपॉन में ना 11 ऊपर आ जाएगा और आपका 25×36 6×36 ऐसे कर देते हैं। चलिए इसको आप सॉल्व करिएगा तो लैम्डा जब निकालेंगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी यानी कि 25×36/11×10, 9, 6, 7, 8 इस तरीके से 10, 9, 6, 7, 8। अब इसे आप सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर पेन डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको आप घबराइएगा नहीं, तरीका आप बता दीजिएगा कि इसका आंसर भैया सर ये आ रहा है तो मैं उस आंसर को टिक करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइक्रोन में पहले आप सेंटीमीटर इन्वर्स में आंसर आएगा भाई, लैम्डा तो सेंटीमीटर में आएगा इन्वर्स में सेंटीमीटर में आएगा और उसको आप माइक्रोन में कन्वर्ट करके मुझे फिर आंसर बताइएगा सर इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 20वां क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, 21वां छोड़ने का मतलब तरीका मैंने बताया है, कैलकुलेशन आपको करनी है। 21वें पे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द फॉलोइंग, तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आप कर लेंगे भाई, ऐसा ना समझिएगा कि सर छोड़ रहे हैं। अरे मैं इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि सिंपल सी बात यह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ज़्यादा होती है तो सबसे हाईएस्ट तो फ्लोरीन लगा लीजिए थर्ड, यानी कि सबसे थर्ड में हाईएस्ट में एक ही दिख रहा है मुझे सी दिख रहा है, तो सिंपल से मैं सी लगा दूंगा। अब आप चेक करिएगा क्या ये सही गलत है भाई, एक सही है बाकी तो और थर्ड में हाईएस्ट है ही नहीं तो ऑर्डर फिर कहाँ से लाऊँ, ऑर्डर तो वहीं से आएगा। चलो फिर भी आगे भी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फोर्थ आ जाएगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी आयोडीन से ज़्यादा ही होनी है। और फिर मैग्नीशियम और सोडियम में आ जाओ तो मैग्नीशियम की ज़्यादा हो, मैग्नीशियम हो गया और फिर सोडियम हो गया, तो यानी कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी जो हैगी और सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम से ज़्यादा ही आएगी। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, तो और मैग्नीशियम तो ऑलरेडी स्टेबल होता है ना, तो ये भी कह सकते हैं कि मतलब स्टेबल कन्फिग्रेशन है, लगभग 0 के आसपास होगी तो हाईएस्ट वैल्यू जो है फिर इसी की होनी चाहिए। तो सिंपल सा तरीका ये है कि हाईएस्ट वैल्यू मैग्नीशियम की आनी चाहिए, फिर तो भाई इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो ऑर्डर फिर क्या आना चाहिए, किस ऑर्डर, थर्ड तो आना ही चाहिए, पहला है थर्ड और उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ आ गया, ठीक है समझ में आया। फर्स्ट और सेकंड कैसे आ जाएगा, फिर तो फर्स्ट आना चाहिए ना कि फर्स्ट, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है मुझे यहाँ पर, थोड़ा आप इसे चेक करिएगा कि द ऑर्डर सभी एक लाइन में है, ठीक है आप इसे चेक करेंगे। 21वें वाले में यहाँ पर ये चीज़ जो है सेकंड वाला ऑप्शन इधर आना चाहिए और ये वाला इधर जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। एक बार आप भी चेक करिएगा क्या सोडियम के इलेक्ट्रॉन, भाई सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। ओ हो सही है, इज इट क्लियर, क्लियर सही है, ऑर्डर सही है भाई। क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी तो सोडियम तो आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, नहीं सही है, कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पर, थोड़ा सा लगा कि मुझे सही ऑर्डर में, ऑर्डर में चेंज नहीं कि सोडियम एक्सेप्ट करेगा और मैग्नीशियम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो लगभग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग एन्थैल्पीज ऑफ कम्बशन डिड्यूस द विच ऑफ द क्यूटेड एक एक्सप्रेशन गिव्स, क्या एक्सप्रेशन गिव कर रहा है वो ज़रा देख लेते हैं। हाँ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिक्स, अरे यार इसमें क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सा है कि दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि दूसरी वाली को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप पहले दूसरे को जोड़ेंगे तो C+2H है कहीं पर, है C+2H और माइनस तीसरी कर देनी है तभी आता है, सिंपल सा तरीका सी लगाइए। द कम्बशन ऑफ बेंजोइक एसिड अकर्स अकॉर्डिंग टू द, ये दिया हुआ है तो 7 यानी कि डेल्टा एन जी की, डेल्टा एन की वैल्यू 7 माइनस 7.5 यानी कि 0.5 हो गई तो माइनस हाफ हो गई, डेल्टा एन की वैल्यू माइनस हाफ आ गई, ठीक है। और R भी हो गया, T भी हो गया और आपकी ये इट लिबरेट्स है तो माइनस का Q हो गया, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डेल्टा U प्लस डेल्टा N जी आर टी, यानी कि आंसर फिर 23 का D आ जाना चाहिए, आंसर 23 का D आना चाहिए, आप चेक करिएगा क्योंकि वैल्यू माइनस में रखी जाएगी,
ड्यूरिंग द सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन द, ये तो और आप ही कर लेंगे कि सॉलिड लिक्विड में जो होता है कि डेल्टा एच जीरो हो जाएगा या फिर डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा बता देंगे आप लोग। ये बहुत मुझे लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो टोटल में भाई सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट पर ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो आंसर गलत नहीं होगा आपका। चलिए खैर, इन मैंने तीन क्वेश्चन अभी तक आपको होमवर्क में दिए हैं भाई, थोड़ा बहुत होमवर्क मिलता रहेगा अच्छी बात है। 25वां क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द अमंगस्ट, ये तो ये भी क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई आपको निकालना पड़ेगा। तो 24 का अगर निकालेंगे तो सबसे बड़ा ऑर्डर लेफ्ट साइड में होगा, तो अगर सभी में देखें तो इनमें सबसे बड़ा तो इन तीनों को देखो पहले, इन तीनों को, ये तो है ही छोटा, ये तो है ही छोटा, तो सबसे छोटा तो नाइट्रोजन इसी में आ रहा, बी में ही आ रहा, ठीक। क्लोरीन इनमें सब में क्या 18 सब में हो गया। अब प्रोटॉन जिसमें ज़्यादा होंगे उसका साइज छोटा होगा, है ना। प्रोटॉन किस में ज़्यादा हैं, प्रोटॉन किस वैल्यू 19, यहाँ 17, यहाँ 18, तो साइज छोटा, इससे बड़ा साइज जो है वो इसका हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा, एल्युमिनियम में 10 है ना, तो ये दोनों आपस में हुए ना, ये दोनों आपस में, ये तो नहीं आता, तो इसमें 10 हो गया, तो इसका इससे बड़ा साइज़ फिर एल्युमिनियम का हो गया, फिर क्लोरीन का हो गया, और क्लोरीन नेगेटिव और पोटेशियम में दोनों में देखेंगे तो पोटेशियम का साइज जो है वो बड़ा होगा, और पोटेशियम में आपका 19 हो गया, 17 भाई Cl और K में ज़रा देखें साइज किसका बड़ा होगा, के में अगर देखेंगे तो के पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर आपका हो गया, ये आपका 18 हो गया और ये भी आपका 18 हो गया, समझ में आ रही बात नहीं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और यहाँ इलेक्ट्रॉन घटा है, तो यहाँ प्रोटॉन क्या रह गए, प्रोटॉन आपके 19 और 18, तो तेज़ी से खींचेंगे ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव है 18 में, और 18 में जब नेगेटिव है तो 2881 2888 हो जाएगा, सिंपल 2881 होगा, 2888 होगा, दोनों में 2888 होगा, तो फिर यार साइज़ तो फिर क्लोरीन का बड़ा आ जाना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है, क्लोरीन का साइज़ तो बड़ा आ जाना चाहिए, तो 25 का आंसर जो है वो फिर ए आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ, क्लोरीन का साइज़ बड़ा हो गया ना इसमें, तो ये हटा देते हैं और यहाँ इसे मिटा देते हैं, और आंसर हम 25 का फिर ए लगाएंगे, क्योंकि एल्युमिनियम और इसमें अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम में 10 है, प्रोटॉन है 13, तेज़ी से खींचेंगे इसी से, ठीक है 25 का फिर आप ए लगाइए, बी नहीं लगाइए, बी नहीं, सी एल बड़ा है साइज में ना निगेटिव। 26वें क्वेश्चन पे आ जाइए, द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इन द सिंपल वन स्टेप रिएक्शन इज डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो द ई ए। अब इसमें आप ग्राफ अगर ड्रॉ करना जानते, ग्राफ का अगर आपको आइडिया है तो हम ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ग्राफ समझिएगा, बड़ा बढ़िया ग्राफ इसका बनता है। जैसे ये हमने लिया और यहाँ से हमने इस तरीके से ये बनाया, तो यहाँ क्या होता है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो आप जानते हैं, जैसे ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक एनर्जी होती है, इस तरीके का ग्राफ है सिंपल भाई, यहाँ से यहाँ तक का, ये थोड़ा सा नीचे से बनता है अगर हम देखें तो, इसे मिटाएं, ये थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ पे रहता है ना, ये थोड़ा नीचे बनता है, तो यहाँ से जो लाइन ऐसे करके खींची जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होती है ये क्या कहलाती है, वैल्यू डेल्टा एच कहलाती है ना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बोलें, यहाँ से यहाँ तक ये कहलाती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, और ये आपकी कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या कहलाती है, यहाँ से ET थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। तो अब इसका मतलब है कि ये हमेशा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एस, मतलब डेल्टा एच के कंपैरिजन में, तो आंसर में फिलहाल क्या है, नेवर ग्रेटर देन डेल्टा एच और नेवर लेस देन डेल्टा एच, यानी कि इस जो आंसर 26 है, 26 का जो आंसर आना चाहिए वो यही आना चाहिए, नेवर लेस देन डेल्टा एच, तभी पॉसिबिलिटी है, तभी रिएक्शन अकर होगी, अदरवाइज रिएक्शन अकर नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखिएगा कि भाई अगर एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो गई तो फिर रिएक्शन, भाई एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमेशा प्रोडक्ट के नीचे तो नहीं जा सकती, ये पॉसिबिलिटी ध्यान दीजिएगा कि, और कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई मतलब रिएक्शन 100% कोलिजन हो जाएंगे, और 100% कोलिजन नेचर में तो पॉसिबल है नहीं, नहीं ये माना जाता है कि 100% कन्वर्जन नहीं होता है। 27वां क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट है, तो याद है तो आप ही लगा लेंगे कि हाफ लाइफ ऑफ द 60 मिनट है, तो इसका एक तो सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं कि क्या होना चाहिए, सिंपल तरीका इसका ये होना चाहिए कि आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है एन नॉट अपॉन
नंबर ऑफ हाफ लाइफ टू की पावर एन लगा दीजिए। अब यहाँ पर एन टू की पावर कितनी, 3 मिनट है, तो इसका मतलब हो गया आपका एन नॉट अपॉन हो गया आपका 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा, आ गया। तो अब यहाँ पर हाफ लाइफ कितनी है, द परसेंटेज ऑफ द है ना 60 सेकंड, और परसेंटेज पे निकाला गया है, तो सिंपल सा है कि 8 हो गया। और अब आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज में निकाल दीजिएगा, यानी कि एज लेफ्ट आफ्टर 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट, और मिनट में है ये 60 सेकंड में, तो ये 1 ही मान लीजिए आप, तो 1 मिनट हो गया। तो इसका मतलब 1/8 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज पूछा है, तो 100 कर दीजिए, 8 × 1 = 8 हो गया, और 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8 बचा 4 = 40, 8 × 5 = 40, डिवाइड कर लीजिए 25, 12.5 आना चाहिए, 8 × 1 = 8 बचे 2 बचे 20, 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, हाँ ठीक, तो यानी कि डी आंसर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। 28 कह रहा है इफ़ द रिएक्शन ए प्लस बी है जो सी दैट थर्मोडायनेमिकली फिजिबल, द टाइम टेकन फॉर द हाफ लाइफ रिएक्शन अकर टू डिपेंड मोस्ट प्रिसिजली ऑन, इस पर डिपेंड कर जाएगी रिएक्शन, तो आपको बता देना चाहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी डी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लगाया आपने, बढ़िया क्वेश्चन हैं, करिएगा, क्वेश्चन दमदार हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें ईजी भी हैं, इसमें टफ भी हैं। एक सिंपल लेंथ लेकर के चले हम क्वेश्चन की। फॉर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा सजेस्टेड दैट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो भैया मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आर इज इक्वल टू के, के ए की पावर एक्स मान लेना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, और बी की पावर आप वाई मान लेना। यहाँ पर एक्स और वाई यानी कि ए की वैल्यू 2 रखना, बी की वैल्यू आप 1 रखना, पावर डालना, रेट रखना, इस तरीके से आप इक्वेशन बना लेना 3। अब उसके बाद डिवाइड करके ए और एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेना, और एक्स वाई की जब वैल्यूज़ आ जाए तो पुट करके आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर 29 का आंसर क्या होगा। अभी तक मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इनको करिएगा, चूँकि ऐसा ना समझिएगा कि सर को नहीं आते होंगे, सर को नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसे हो सकता है आपके मन में चल रहा हो, लेकिन मैं आपको बताया बड़ा ईजी क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिएगा। ये हाइपोथेटिकल डाटा है, प्रैक्टिकल डाटा वही होता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मानने वैलिड होता है। 3 इक्वेशन बना लीजिएगा, एक दूसरे को डिवाइड करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे, अच्छा लगेगा हमें। अ रिएक्शन रेट अकर्स बाय द डबल्स बिटवीन द इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज बिटवीन, इंक्रीज बिटवीन में क्या होगा। देखिए मैं क्या करूँगा कि इसके आंसर भी आपको लगा दूंगा, जिससे कि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। आंसर भी मैं सीरीज़ में लगा दूंगा, जैसे PDF लगाऊंगा तो इसके आंसर भी लगा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल फ्री रहिएगा, है ना। तो 30 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, उसका मतलब ये, इसमें वो जो कंसेप्ट आपने log K2/K1 का फार्मूला लगाइएगा, है ना, तो log K2/K1 इज इक्वल टू हो जाता है वही ये अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट में T2 - T1, ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, और इस फार्मूले से इसको आंसर निकालिएगा। आंसर निकलेगा 100% आएगा, द रेट कॉन्स्टेंट डबल बिटवीन, यानी शुरू में K1 को K मान लेना और K2 को आप 2K मान लेना, कैसे के कैंसिल, log 2 हो जाएगा। टेम्परेचर T2 - T1 ये भाग हो गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस द 400 यानी कि, यानी दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी वैसे इसमें आप, तो आप समझिए इसमें दो इक्वेशन बनेगी। चलिए मैं इसको करता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे कि सर क्या कर रहे हैं आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग 300 से 310 वाली इक्वेशन बनाते हैं, log K2/K1, log K2/K1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू हो जाएगा टेम्परेचर वही ई अपॉन 2.303 आर, ऐसे रख लेते हैं ब्रैकेट में 1/T1 - 1/T2। अब वैल्यू रखिएगा, चलो कर लेंगे ना आप, इनमें वैल्यूज़ रखेंगे, क्या रखेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि अब शुरुआत में एक log क्या करेंगे आप, log a को k मान लीजिए K2, तो log आपका 1 हो गया 2K, डबल्स हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये k हो जाएगा, है ना, तो k से k कैंसिल कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी यही रह जाने दीजिएगा, ये अपॉन 2.303 आर, ये क्योंकि बाद में कैंसिल हो जाएगी, T1 हो गया 1/300 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/310 हो जाएगा, ठीक है,
चलिए इसको हटा लीजिएगा, तो ये आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 300 T2 माइनस T1 होता है ना, वही आ जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से दोनों को वैल्यू को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो है फिर 400 से 410 के बीच में निकाल लीजिएगा दोनों का जो वैल्यूज़ आए, उन वैल्यूज़ को आप सॉल्व करके ज़रा एक बार चेक करिएगा कि आंसर आपका क्या आ रहा है। अगर आंसर आपका मैच करे तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं मैच करे तो बताइएगा, मैं आपको इसको पूरा सॉल्व फिर कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। दो इक्वेशंस इसमें बनानी पड़ेंगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द रेट कॉन्स्टेंट इंक्रीज बिटवीन, कौन सा फैक्टर्स में आएगा, तो आंसर निकालिएगा। अब मुझे आंसर पता नहीं, मैं निकाल करके लगाऊंगा, टैग लगाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट है, हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ कितनी है 10 मिनट, ठीक है ना। देन द टाइम इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ PCl रिड्यूस, अरे यार 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल। इसमें क्या करना है कि K इज इक्वल टू, चलो अब ये मत कहना कि सर ये सरल है तो आप लगा रहे हैं, कैलकुलेशन मत करिए, है ना। चलिए यार कोई नहीं, K इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है 10 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.0693, ये हो जाएगा ना। तो अब आपका टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन में क्या होगा के हो जाएगा, के की वैल्यू 0.0693 इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है 1, और फाइनल क्या होगी 10% मतलब 0.1, ये हटाओ तो लॉग 10 हो गया, इसे हटा दो और ये इतना डिवाइड कर लीजिए, इतना जो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 18, यानी 33, 3 की कोई गिनती आ रही नहीं, देखें 3 की गिनती आ रही, यहाँ रही 3 की गिनती, ये 33 मिनट आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा जरूर भैया, है ना। ये 32 पे आ जाएगा, द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होती है sp3 में DZ² होती है, ये आप एक बार चेक करिएगा, DZ² ही लास्ट वाली जो उल्टी बैक लगती है वो यही की डी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आइएगा, 33 में आपको ये बता दे रहे हैं कि यहाँ पर ML5 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने 5 पेयर, ये होगा ये 5 है बेटा, ये S ना जाइएगा, 5S बॉन्डिंग पेयर, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के हैं और 1 नॉन बॉन्डिंग है, तो मतलब टोटल 6 हो गए, और टोटल जब 6 हो जाएंगे तो टोटल 6 जो हैं वो इसका मतलब हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 हो गया आपका, यानी कि ये तो स्क्वायर पिरामिडल ML5 यानी L यहाँ लगाएं, L एक L यहाँ लगाएं, एक L यहाँ, एक L यहाँ लगा देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और आपका एक हो गया 6 भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हुआ ना, तो क्या स्क्वायर पिरामिडल आएगा 33 का आंसर, स्क्वायर पिरामिडल आना चाहिए, जो लग रहा है कि स्क्वायर पिरामिडल ही आएगा एक शेप में, है ना, वो स्क्वायर पिरामिडल ये चीज़ नहीं बनेगी, ये नहीं आएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल ऐसे ही आएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल, हाँ ठीक है स्क्वायर पिरामिडल ही लगाइए, डी ही आएगा आंसर, चेक करिए एक बार। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI इन द गिवन रिएक्शन, तो HI की हीट ऑफ फॉर्मेशन, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI दे रखा है, ठीक है दोनों रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है, द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, वेरी गुड, आपको करना क्या है इसमें, तो अगर मैं हिंट दूँ आप तो करेंगे ना, चलिए देखते हैं आप कैलकुलेशन करेंगे, आप तो आसानी, क्योंकि आप लगे हुए हैं भाई, आप इसमें लगे हुए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें आसानी से आप क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो देख लेते हैं कि क्या करना है इसमें। आप क्या करिएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन को गर्म करना है, और आयोडीन को जब गर्म करना है तो आप क्या करिएगा कि I2 जो है उसे तोड़ेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन I2 जो है वो सॉलिड है, और उसके बाद आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तो सिंपल सी बात ये है कि आप क्या करें, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल दें पर मोल, यानी कि 2 पे चल रही है, ये 2 पे है, आप पर मोल निकाल दिए, 1 पे निकालिएगा, ठीक है, 1 का पर मोल पे निकालिएगा, उसके बाद सेकंड वाली भाई I2 कैसे निकलेगा, सेकंड वाली जो वैल्यू है इस सेकंड वाली इक्वेशन फर्स्ट वाले में से घटा देना, तो HI कैंसिल हो जाएंगे, H2 भी कैंसिल हो जाएंगे, I2 एक सॉलिड एक गैस बच जाएगा, एक तरफ सॉलिड एक तरफ गैस बच जाएगा, सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाइएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिए, जब सेकंड वाली में से फर्स्ट को आप घटाएंगे,
सब्सट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, यानी कि आपको सेकंड वाली को फर्स्ट में से घटाएंगे ना, तभी तो आपको सेकंड वाली घटाएंगे तो ये गैस उधर जाएगा। हाँ ठीक है, यानी कि सेकंड वाली आप फर्स्ट में से घटाएंगे, नहीं फर्स्ट माइनस सेकंड करिएगा। जब फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो फिर आपका आई टू सॉलिड इंटू गैस आ जाएगा, और आई टू सॉलिड इंटू गैस की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो लगभग आप मैच करेंगे, यानी कि सिंपल सा ये हम कहें कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो कितनी वैल्यूज दे रखी, कितनी 26 है, करें 26 की वैल्यू है 26, यानी कि 26 दूनी हो गए 52, है ना, 52 हो गया 52, और ये आपकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू जो है सेकंड वाली घटाएंगे तो घटाएंगे मतलब माइनस हुआ, और माइनस में ही वैल्यू है तो ये प्लस हो जाएगा, और दोगुना भी करना पड़ेगा इसका, तो ये हो जाएगा 9, यानी 52 में से 9, 52 में से आप 9 घटा दीजिए, 26 दूनी 52, 52 में से 9 घटाइए जोड़िए क्या होगा, चलो देख लेते हैं, लगाएं तो ये अगर 26 इंटू 2 कर लेते फिर माइनस लगा, और फिर आपका 2 हो गया माइनस का, है ना, माइनस का 2 क्यों हो गया, माइनस का 2 कहाँ हुआ, 4 पॉइंट कितना दिया, 4.5 है ना, 4.5 ठीक है, माइनस का आपका आ गया 4.5, और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए तो अब आपका प्लस, यानी कि 52 हो गया, 52 प्लस आपका ये हो गया 9, तो ये आपका 61 आना है, सही, यानी 61 कहाँ पर 61 है, है, चलो ठीक, ये भी लगा लीजिएगा। द एंट्रॉपी चेंज प्रोड्यूस इन द यूनिवर्स वैन द 3.6 kg ऑफ द वाटर लूजेज हीट ऑफ इन टू द सराउंडिंग, 27 क्वेश्चन, यानी 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंट्रॉपी चेंज प्रोड्यूस इन द यूनिवर्स, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि द टोटल एंट्रॉपी इज इक्वल टू एंट्रॉपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रॉपी ऑफ सराउंडिंग्स, ये होता है एक फार्मूला, और इस फार्मूले में जब आप वैल्यू लगाएंगे तो ये 12 जूल है ना, 12, और इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 47 डिग्री से केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ये आपका आ गया 12 अपौन हो जाएगा 47 273, जोड़ लेना, जोड़ लेंगे आप, है ना, जोड़ेंगे पक्का, और उसके बाद कितना है फिर 27 जोड़ के 300, 12 5 दोनों के मोल का बना दीजिएगा, दोनों के जब मोल बन जाएंगे जूल पर केल्विन में आपकी वैल्यूज आ जाएंगे, सिंपल सा तरीका है। वैसे बताऊँ आपको सिंपल तरीका, चलिए मैं बताता हूँ, आप कहेंगे सर जो है वो आप खाली बता नहीं रहे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन का जवाब भी दे रहा हूँ, और इसका जवाब बहुत सिंपल वे में दूंगा आपको, कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस आपका सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना ये है कि यहाँ पर आपका है वैल्यू माइनस का 12 अपॉन 47 में जोड़ लीजिए 47 और 273 10 हो गया, 711 के 711 के 320 हो जाएगा ये, तो 320 हो गया प्लस आपका 12/300/27 हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये आपका आ गया, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया, डिवाइड कर लेंगे जरा कैलकुलेटर से, तो ये आ गया आपका 0.0375 प्लस 0. ये भी आ जाएगा 0 प्लस है ये 0.040 है ना, ये आ जाएगा। अब वो आप इसे जोड़ लीजिए और जोड़ के फिर आंसर निकालिए, मेरे हिसाब से 4 जुड़ेगा, ये 0.0737 है ना, ये जोड़ना ही पड़ेगा है ना, 7 हो गया, चलो 0.0375/0.40 तो ये अब आपका 5 हो गया, और 5 हो गया, और ये आपके तो ये आंसर तो आना चाहिए, ये नहीं सॉरी, ये माइनस से प्लस जोड़ तो रहे, घटाना चाहिए यार, कैसे लग गया, चलो ठीक है इसको घटाइए भैया, ये क्या कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आप जो है इसे माइनस लेंगे तो जब ये माइनस की वैल्यू जाएगी, सॉरी ये माइनस होगा ना, तो ये माइनस होगा तो ये घटेगा, तो वो यार यार सिंपल फिर तो आ ही जाएगा 0.0025 आ जाएगा 0.0025, 25 को घटाना है, 75 ही बचेगा, 25 ही बचेगा ना, तो 0.0025 है, चलिए सी आंसर लगा लीजिए। तो द सैम्पल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगोज द 90% डिकम्पोजिशन द 366 मिनट, तो ये आप क्वेश्चन आप करिएगा कि 90% डिके हो रहा है 366 मिनट में हो रहा है, हाफ लाइफ इज़, तो पहले आप क्या करेंगे के निकाल लीजिएगा, जब के निकला है वही फार्मूला आपको बताया दे रहा हूँ, फार्मूले में कंजूसी नहीं करूँगा,
फार्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन की मदद से के निकाल देना। जब के निकल आएगा तो हाफ लाइफ आसानी से निकल आएगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लगाएंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ होमवर्क आप भी करें और इन क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको लगा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे है, 27 आप स्क्रीन पे पढ़िए, 37 है, 37 आप लगाइएगा, 38 आपके लिए जिम्मेदारी, यानी ये जो क्वेश्चन है मैं आपकी ज़िम्मेदारी पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन 45 है टोटल 45, तो ये कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ज़रा आप लगाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आपके लिए मैं रुक के स्क्रीन आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप करने की कोशिश करिए कि भाई इनके आंसर्स क्या आएंगे, इनके आंसर मैं लगाऊंगा। मैंने 35 तक सॉल्व किए हैं, इसके बाद आप कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए चाहे तो, और चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चंस, ये ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, करिएगा ज़रूर भाई। ये 40 हो गया और ये 41 हो गया और ये 42 हो गया और इसी तरीके से 43 ये हो गया, ये मिटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रह जाए, दिख जाए 43 हो गया, ये पूरा आ गया 43 और इसके बाद आपका आ गया ये 44 और 45। इसकी मैं आपको PDF लगा दूंगा, इसके साथ आंसर भी लगाऊंगा, घबराइएगा नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा होमवर्क आप भी करिएगा। मैंने 35 किए तो 5-6-7 क्वेश्चन आप भी अधिकार बनता है आपका करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको ज़रूर जा करके मेरे इनबॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि सर ये वीडियो हमें कैसी लगी, कैसे लगे मेरे क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा, और होमवर्क में क्या देना मुझे उचित रहा या नहीं रहा इस बात का भी जवाब दीजिएगा। अगर आप कहेंगे कि सर नहीं मैं होमवर्क नहीं करना चाहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि आप तैयारी के अगेंस्ट सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि अगर 5-6-7 क्वेश्चन मैं आपको दे भी देता हूँ तो 5-6-7 क्वेश्चन आप करेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी, आप मजबूत होते रहेंगे, आपको भी लगेगा कि आपको कुछ करना चाहिए। आंसर वेरीफाई करने के लिए मैं आपके लिए इसमें इसकी PDF में आंसर लगा दूंगा, लेकिन पहले आपको सॉल्व करना है फिर आंसर देखना है, तो मतलब आप एक दिन सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट दिन मैं PDF लगा करके और इसके आंसर भी लगाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा जिससे कि आपकी तैयारी भरपूर चलती रहे। थैंक यू, गुड नाइट।